के उपरांत हम किसी भी कार्यक्रम को राष्ट्रगान के साथ समाप्त करते हैं। सदन में उपस्थित सभी जन से अनुरोध है कि अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए, देश के सम्मान के लिए, बाहर से गिट के लिए खड़े हो जाएंगे। और राष्ट्रगान शुरू करेंगे। शुरू कर अस्सलामुअलैकुम। आदरणीय श्री श्रीकांत बाला साहेब सेसू जी, श्री मोहम्मद अली जी, जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य श्री कुमार अश्विनी अमिताभ जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं मिर्जा मेहदी आप सभी के समक्ष विश्व वानिकी दिवस के ऊपर एक भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दुनिया भर में आज के दिन यानी 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं इस विशेष दिन की बारे में कुछ खास बातें। साल 1971 में यूरोपीय कृषि संगठन की त्रिभुजों बैठक में जंगलों और पेड़ पौधों की घटती संख्या को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि हर साल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाएगा, जिसके प्रतीक हम हर साल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। मतलब है कि काफी समय से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेड़ों के अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें जलवायु परिवर्तन से लेकर ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो भविष्य में हमारे लिए ऑक्सीजन की कमी की समस्या भी आ सकती है। इसीलिए ऐसे समय में विश्व वानिकी दिवस की उद्देश्य लोगों के प्रति पेड़ों को प्रसिद्ध करना और पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। अब मैं अपने भाषण को खत्म करने से पहले आप सभी से एक विनती करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को कहीं पर भी प्लास्टिक का टुकड़ा दिखे तो बिना शर्माए उसको उठाकर कूड़ेदान में फेंक दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कुमार अमिताभ अश्वनी अमिताभ सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वह अपना उद्बोधन भाषण। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री श्रीकांत बाला साहब सुसू सर, जिलाधिकारी कारगिल एवं विद्यालय प्रबंधन एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो थोड़ा सा बहुत ही अल्प समय मुझे मिला इस तैयारी के लिए, तो इस अल्प समय में जितना हो पाया मैंने किया है और बस इसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ कमियाँ दिख रही होंगी उसे उसके लिए आप मुझे और मेरे बच्चों को समाप्त करेंगे। सर, यस, विश्व वानिकी दिवस, मैं समझता हूँ इसके बारे में पहले कुछ लोगों ने बता दिया कि यह 21 मार्च 23 दिन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 2012 ईस्वी में निर्णय लिया था कि विश्व में वन एवं पर्यावरण संबंधी जागरूकता के मनाए रखने के लिए
21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस का आयोजन किया जाएगा। आप जितने भी हमारे समक्ष बैठे हैं, सब लोगों ने शायद हम लोग हमेशा ये पढ़ते रहे और ये बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा रहा है, पर्यावरण संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, और मुद्दा ज्वलंत रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बहुत जागरूक होते हुए भी हम शायद कुछ लापरवाही बरतते दिखते हैं। प्लास्टिक्स का यूज ना करना, हमेशा ये होता रहता है प्लास्टिक नहीं यूज किया जाए, लेकिन जहाँ भी देखेंगे आपको शायद ही ऐसा कोई जगह मिले जहाँ पर प्लास्टिक दिखे नहीं। पर्यावरण इसलिए ये जरूरी है कि हम सिर्फ चीज़ों को जाने नहीं, सीखे नहीं, सीखने की बजाय हमें जीने की जरूरत है। इसलिए जो कुछ भी तथ्य हमारे पास हैं, हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, वैसे ग्लोबल वार्मिंग है, डिफॉरेस्टेशन है, इसके बाद जितने भी क्लाइमेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इश्यूज हैं हम बहुत जानते हैं, उसके बारे में हमने खूब पढ़ा है। लेकिन समस्या यही है कि हम जिन चीज़ों को पढ़ते हैं उन्हें शायद हम जीते नहीं हैं, जीवन में उतारते नहीं हैं। और आवश्यकता यही होती है कि हमारे किसी भी चीज़ को सीखने का आशय यह होता है कि हम उसे अपने जीवन में उतारें। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि समय काफ़ी कम है। तो बहुत सबसे बोलूँगा कि आप जहाँ भी जैसे भी हैं आप अपना योगदान पर्यावरण संरक्षण में दे सकते हैं। और इसमें जरूरी है कि हम जो है वृक्षारोपण अपनाएं। दुनिया में आज भी मानसिक क्षेत्र पर पर्वों का आवरण है, जबकि माना जाता है पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए 33% वनावरण आवश्यक। किसान कि आप सब अपने पर्यावरण को सुरक्षित बनाने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेंगे। अपना ये संक्षिप्त प्रवास समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। कल हमने स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय बच्चे और एक सांत्वना पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले जिन जिन बच्चों का नाम लूंगा वो यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे, और साथ ही मैं इस पुरस्कार को जिन कर कमलों से दिलवाना चाहता हूँ उन अतिथिगण, जिलाधिकारी सर श्रीकांत बाला साहेब सुसे सर के हाथों से यह पुरस्कार वितरण किया जाएगा। उनको आमंत्रित करता हूँ कि वह मंच पर आए और बच्चों को अपने हाथों से यह पुरस्कार नुसरत फातिमा मंच पर शीघ्र आए पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। और थर्ड प्राइज जो है सुहेल अली मंच पर आए। सेकंड प्राइज नासिर हुसैन और फर्स्ट प्राइज नवीदुल हसन वह मंच पर आ जाए और सर के हाथों अपना पुरस्कार प्राप्त करें। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए इन बच्चों ने जो पुरस्कार प्राप्त किया है।
यू ऑल। सबसे पहले मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज पहली बार मैं जेएनयू में, शायद जब से यहाँ पे आया हूँ कारगिल में, पहली बार शायद मेरा विजिट है यहाँ पे, और मुझे खुशी है कि आज स्कूल्स भी अभी ओपन हुए हैं जल्दी कुछ दिन पहले, और आज मुझे आपके बीच में आने का मौका मिल रहा है। और यहाँ पे उपस्थित एडीसी साहब, डीएफओ साहब, सीएमओ साहब, हमारे बाकी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर, प्रिंसिपल, जेएनवी, सारे बच्चे, यहाँ के टीचर्स, आप सबको मेरी तरफ से सलाम, जुले, नमस्ते। और ऑल फॉरेस्ट ट्री डे पे आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और मेरे से पहले जितने भी सारे स्पीकर्स थे उन्होंने इस डे के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, और ख़ासतौर से मैं जो मिर्ज़ा मेहदी जो स्टूडेंट उसने जो स्पीच किया उसके लिए भी मैंने उसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स करता हूँ कि बहुत क्लियर हिंदी में आपने बोला, जो गौरतलब है, अप्रिशिएबल है। इसके पीछे यहाँ के स्टूडेंट टीचर्स का भी एफर्ट्स दिखाई देते कि क्योंकि हमें हर तरह की लैंग्वेज, अपनी खुद की लैंग्वेज को कभी नहीं भूल, बट हमें बाकी लैंग्वेज को भी सीखना है, क्योंकि आपको यहाँ से बाहर जाके बाकी देश के बाहर भी जाने का मौका मिल सकता है, देश में बाकी सिटीज में जाके काम करने का मौका मिल सकता है। तो मेरी आप सारे लैंग्वेज में बहुत जितने भी आपसे पॉसिबल हो सकते हैं सारे लैंग्वेज में फ्लुएंट होना चाहिए। और फॉरेस्ट एक लाइफ, यहाँ पे लिखा है लाइफ लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ये मैं मानता हूँ कि एक बहुत अच्छा पहल शुरू किया गया है। इसके पहले इसके पीछे यही मकसद है कि हम जब पैदा होते हैं और मरने तक जितना भी हम इस यूनिवर्स में जब से हम आते हैं मरने तक जितने भी हम एक्टिविटी करते हैं, कुछ भी चीज़ करते हैं, तो आसपास का जो इन्वायरमेंट है, नेचर है, उसके कोऑपरेशन के बिना हम कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते। हमें सांस भी ले नहीं तो ऑक्सीजन लेते हैं, वो भी हमें पेड़ों से मिलता है। और जैसे मैंने बताया कि जब यहाँ से हम जिंदगी छोड़ने तक हम नेचर के साथ मिले हुए हैं, तो ये चीज़ हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। इसके पीछे यही कि हमें सबने हम्बल रहना है कि हम अपने कुछ छोटा सा सक्सेस आ गया या फिर थोड़े सी चीज़ को हमारे सर में वो जाना, हमारे दिमाग में जाना नहीं चाहिए। हमने ग्राउंडेड रहना है। आप कोई भी पोस्ट पे रहो, कहीं पे भी जाओ, कुछ ज़्यादा पैसा भी कमाया, तरक्की हुई, लेकिन हमने हम्बल रहना है। ये मैं मानता हूँ कि ये मैसेज आप सबने अपने मन में रखना चाहिए, और इसको आगे लेके आप अगर जाएंगे तो ज़िंदगी में कभी आपको कोई रुकावट नहीं आएंगी, और सक्सेसफुली आप अभी आप बच्चे अपने करियर की तरफ अभी बहुत सारे आपके बाकी है, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो ये मैं मानता हूँ कि ये मैसेज आप हमेशा अपने दिमाग में रखना कि हम्बल रहना है, तो आपको बहुत चीज़ें आएगी, आपको डिस्ट्रैक्शन भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बट आपने स्टडी अपना जो आपने आपके पेरेंट्स ने आप पे भरोसा रखे, आपके टीचर्स ने आप पे भरोसा रखे, यहाँ पे भेजा है। और जे एन वी स्कूल में मानता हूँ कि मुझे भी एडमिशन नहीं मिला था हमारे यहाँ पे, मैंने कोशिश किया था। जे एन वी स्कूल का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, तो आपने खुद आपको खुद खुशनसीब समझना चाहिए कि आप जे एन वी में पढ़ते हैं, जे एन वी कारगिल में पढ़ते हैं। तो आपने जैसे अभी बताया कि एग्ज़ाम अभी आपके चल रहे हैं, उसके बावजूद अच्छा सा प्रोग्राम भी किया, और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस एग्ज़ाम के लिए। आप स्कूल का भी नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करें, और अपने टीचर्स का भी नाम रोशन करें। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत आप लोगों को बेस्ट विशेस। मैं यहाँ पे आगे भी आना चाहूँगा, और कुछ इश्यूज भी जो मैनेजमेंट जो फैसिलिटीज़ की मद्देनज़र होते हैं इश्यूज, आपके प्रिंसिपल साहब मेरे नॉलेज में रहते हैं, और मेरी तरफ से कोशिश रहती है कि आपको एक यहाँ पे कंफर्टेबल स्टे हो, आपके हॉस्टल्स हो, पढ़ाने की जो भी इंतज़ाम यहाँ पे किए गए वो अच्छी तरीके से चले, उसके लिए हमारी तरफ से भी एज अ चेयरमैन जेएनबी मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से भी मेरा हमेशा कोशिश रहेंगे कि आगे भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ आपको देने के लिए मेरी तरफ से जो जो करना चाहिए वो मैं करूँगा। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस। थैंक यू। धन्यवाद सर। सर के जो स्मृति चिन्ह लें, मैं साथ में ही जिला वन अधिकारी सर को आमंत्रित करता हूं कि वह धन्यवाद ज्ञापन के लिए, और साथ ही मिर्ज़ा मेहदी को स्मृति चिन्ह देकर उसको पुरस्कृत करें। श्री नियाज अली संकु रेंज के सर मंच पर।
धन्यवाद सर, धन्यवाद ज्ञापन के लिए वोट। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। जुड़े आज का ये प्रोग्राम अख्ताम पजीर होता है, तो मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करने की जानब से आज के मेहमान खसूसी जनाब श्रीकांत बाला साहब से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करगिल का तहदिल शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात के बावजूद यहाँ पे तशरीफ लाकर बच्चों की हौसला अफजाई की। इसके साथ ही साथ एडीसी साहब और दीगर महकमा का शुक्रिया अदा करता हूँ और प्रिंसिपल जवाहर नवोदया विद्यालय कुमार अश्विनी अमिताभ जी का भी कि उनके टीचिंग स्टाफ स्टूडेंट खसूसन उन्होंने बच्चों के इम्तिहान के बावजूद इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारी मदद की। आखिर में मैं स्टाफ मेंबर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि स्टूडेंट को एक सभी स्टाफ के लिए मुख्तसर एक रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम किया गया है, वो हम आपके स्टाफ के हवाले कर देता हूँ। बाकी वस्सलामु अलैकुम, जय हिंद।